जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को जयपुर पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और टिकट वितरण पर चर्चा करने के लिए भाजपा के दोनों नेता यहां आ रहे हैं। साथ ही बीजेपी और संघ के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण पर चर्चा होने वाली है। शाम करीब 7 बजे विशेष विमान से नड्डा और शाह के जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है। दोनों नेता एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां रात 8 बजे से पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक के दौरान नेता टिकट वितरण और राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक में बीजेपी की हाल ही में संपन्न हुई परिवर्तन यात्रा पर मिले फीडबैक पर भी चर्चा होगी। बैठक के बाद दोनों नेता जयपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद अगले सुबह वे संघ कार्यालय जाएंगे और वहां के नेताओं के साथ आगामी चुनाव में इसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। अमित शाह जी और संतोष जी तीनों आ रहे हैं और मेरे को कल ही शाम को मीटिंग में तो मैंने कहा राजमा साहब की वजह से तो मेरे को तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मेरा परिवार में जाना ही जाना तो जाऊंगी। तो मैडम अभी तो वही निकलेंगे जयपुर में। मैं निकल ही रही हूँ क्योंकि वहाँ पहुँचना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि भाई आप जब तक तो पहुँच ही जाओगे। मीटिंग बता रहे हैं कि 8 बजे की है।